नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं प्रोबेबिलिटी में आपको नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिलेगी और आपके टीसीएस के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी से चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। प्रीवियस ईयर ही क्यों भैया, क्योंकि भाई रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला है? इफ थ्री डाइज आर थ्रोन फाइंड अ प्रोबेबिलिटी टू गेट सम 10। भाई तीन डाइज आपने फेंके गए हैं भाई, तो भाई आपको बताना है कि तीनों डाइस पर जो भी नंबर्स अकर हो रहे हैं भाई उनका जो सम है वो 10 आ जाए। देखिए भाई प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ रखा है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। टोटल आउटकम्स इज नथिंग बट कितना आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, इसको हम एनएस से भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। इसको और सिंपल करते हैं भाई, क्या प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, हमें क्या चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल, या इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या है, है ना। देखिए जब भी मैं तीन डाइस फेंकूंगा ना तो जो टोटल आउटकम आएगा डिनोमिनेटर आएगा वो हमेशा डाइस के केस में 6 की पावर n आता है भाई। 6 तो कॉमन रहेगा, n मतलब आपने कितने डाइस फेंके, 3 डाइस फेंके 4 डाइस फेंके, है ना, या एक ही डाइस को कितनी बार फेंका, दोनों एक ही बात होती है। एक ही डाइस को 2 बार फेंक दो या 2 डाइस को एक साथ फेंक दो, एक ही डाइस को 3 बार फेंक दो या 3 डाइस को एक साथ फेंक दो, एक ही बात होती है। n का मतलब कितने डाइस फेंके या एक ही डाइस को कितनी बार फेंका गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो 6 की पावर 3 यानी 216 टोटल आउटकम्स होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली जब कॉइन होता है तो कॉइन में 2 आउटकम पॉसिबल होते हैं, हेड या टेल, तो उस केस में 2 की पावर n हो जाता है भाई। आपने कितने सिक्के उछाले या एक ही सिक्के को कितनी बार उछाला उतने टोटल आउटकम्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2n की वैल्यू 2 देंगे, टोटल 4 आउटकम्स हो जाएंगे। फिलहाल ये हमारे क्वेश्चन के बाहर है, हमको मेनली इस पर फोकस करना है टोटल आउटकम्स हमारे 216 का। इसको और थोड़ा सा समझते हैं भाई, अगर मान लो मैंने 2 डाइस को एक साथ फेंका तो 6 की पावर n के हिसाब से 6 की पावर 2 यानी टोटल 36 हमारे आउटकम्स आने चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 है तो टोटल 6 की पावर 1 यानी 6 आउटकम आने चाहिए भाई। अगर एक ही डाइस को फेंका तो 6 आउटकम पॉसिबल है, या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 या 4 या 5 या 6। अब 2 डाइस फेंके तो टोटल 36 आउटकम्स पॉसिबल है। देखिए भाई मैंने दूसरे डाइस पे 1 फिक्स कर दिया, अब पहले पे 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए, दूसरे डाइस पे 2 फिक्स कर दिया, पहले पे 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए, ऐसे ही दूसरे डाइस पे 3 फिक्स कर दिया, पहले पे 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाए, एंड सो ऑन, है ना। दूसरे डाइस पे 6 फिक्स कर दिया, पहले पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, टोटल आप काउंट करोगे तो 36 केसेस बन रहे होते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको कभी भी आपके एग्जाम में आए तो ऐसे लिख लिया करें 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26, इस तरीके से नंबरिंग लिख लिया करे। यानी यहाँ पर देखिए दूसरे डाइस पे 1 फिक्स कर दिया, पहले पे हम चेंज कर रहे हैं, दूसरे डाइस पे 2 फिक्स कर दिया, पहले पे 1 2 3 4 5 6 हम रख रहे हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 डाइस को फेंका गया और सम हमको 10 लाना है। तो पहली बात तो डिनोमिनेटर में जनाब 216 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स 216 है भाई। हमको अब निकालने हैं फेवरेबल आउटकम्स अपने, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, एक तरीका तो क्या हो सकता है भाई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करो भाई, टोटल सम 10 लाना है तो या तो ये हो जाए 136 का हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, एक डाइस पे 1 आ जाए, एक पे 3 आ जाए, एक पे 6 आ जाए। अब इसके बेटा टोटल 3 फैक्टोरियल केसेस बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 डाइस हैं और 3 ऑब्जेक्ट है 1 3 और 6। अब 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस पर बिठाने के 3 फैक्टोरियल तरीके हो गए, n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पर n फैक्टोरियल से बिठा सकते हैं हम, तो इसी 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस पर 3 फैक्टोरियल वेज। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6, 1 × 2 × 3 6 हो गया ये आपका, ठीक है। एक और बार समझो, देखो इसको 1 3 6 भी आ सकता है, या पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए तीसरे पे 3 आ जाए, या पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 1 तीसरे पे 6 आ जाए, पहले पे 3 दूसरे पे 6 तीसरे पे 1 आ जाए, या पहले पे 6 दूसरे पे 1 तीसरे पे 3 आ जाए पहले पे 6 ये 3 1, ये देखो ये टोटल 6 केसेस बन रहे, है ना। तो भाई पहले पे क्या आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है, तीसरे पे क्या आ रहा है, वो भी मैटर कर रहा है, टोटल आपको सम 10 लाने, तो 6 कॉम्बिनेशंस यहां से बन गए। सिमिलरली 1 4 5 से 6 बन गए, 2 3 5 से 6 बन गए, अब 2 4 4 में 4 और 4 रिपीट हो रहा है,
तो 4 और 4 रिपीट हो रहा है, तो भाई 2 4 4 लिख दो भाई, ये पहला 4 है ये दूसरा 4 है, और 2 4 4 ये दूसरा 4 है ये पहला 4 है, एक ही बात है देखने में तो एक ही दिख रहा है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम रिपीटेशन हो रहा है तो 2 बार 4 आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया 3 फैक्टोरियल को, 3 तो इसलिए टोटल 3 कॉम्बिनेशन ही बन गए क्योंकि 6 में 2 फैक्टोरियल का डिवाइड हो गया। ऐसे ही 3 3 4 में भी रिपीटेशन हो रहा है, 2 2 6 में भी रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 27 टोटल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 27 है, टोटल आउटकम 216 है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया यार आम जिंदगी, इसमें 2-3 दिक्कत है। पहली दिक्कत तो यार अपना समय खूब जा रहा है, दूसरी दिक्कत हो सकता है आप कुछ केसेस को ओवर काउंट कर लो या कुछ केसेस को काउंट करना भूल जाओ, तो अल्टीमेटली यार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम फंस जाएंगे। तो भाई मैं आपको एक बहुत धांसू ट्रिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल आपको मजा आ जाएगा। देखो भाई अगर सम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने डाइस फेंके भाई, उसको मैनेज कर लेंगे, अगर सम जो है वो 1 से लेके 6 के बीच में आ रहा है, क्या सम जो है वो 1 से लेके 6 के बीच में आ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना। और अगर सम 7 से लेके 12 के बीच में आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 12 के ऊपर अगर आ रहा है तो फिर आप हिट एंड ट्रायल कर लीजिएगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, जनरली 12 तक ही सम पूछते हैं। तो 1 से लेके 6 तक आ रहा है तो ये सिंपल से फॉर्मूला रट लो भाई, 7 से लेके 12 तक आ रहा है तो ये फॉर्मूला रट लो। अब अपन एक बार अप्लाई करके भी देखते हैं भाई, आपको क्या बोला गया है जनाब, आपको बोला गया सम 10 आने वाला है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो n क्या हो गया, कितना सम आ रहा है, r क्या हो गया, कितने डाइस हमने फेंके हैं, वो r हो गया। इस फॉर्मूले में आप देखिए n और r दो ही क्वांटिटी हैं, तो n क्या आ रहा है, कितना सम है, r क्या आ रहा है, कितने डाइस है, ये पूरी की पूरी एक ही एंटिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर n की वैल्यू क्या है, कितना सम चाहिए हमको, 10 चाहिए, r का मतलब कितने डाइस है हमारे भाई, हमारे पास टोटल 3 डाइस फेंके गए तो 3 रख दो यहाँ पर, तो ये हो गया एन माइनस वन यानी 10 - 1 हो गया 9, सी आर माइनस वन यानी 3 - 1 2 हो गया, माइनस आर की वैल्यू क्या बेटा 3 है, मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस 7 दैट इज 10 - 7 कितना हो गया 3, 10 में से 7 गए तो 3 बचा, सी आर माइनस 1 3 - 1 2 हो गया, इसको जरा एक बार सॉल्व कर लो। अब यार यहाँ पर एक और ट्रिक हम सीखते हैं, एनसीआर कैलकुलेट करने की क्या ट्रिक हमारी बनती है। देखिए भाई एक तो होता है एनसीआर का हम भाई फॉर्मूला याद कर ले भाई, है ना, फॉर्मूला क्या बोलता है एनसीआर का, एनसीआर का फॉर्मूला बोलता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो आपको 9c2 कैलकुलेट करना था, तो एक तरीका तो क्या है सर, एन की वैल्यू आप 9 मान लो, आर की वैल्यू आप 2 मान लो, तो आप यहां पर देखिएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 9 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 2 × 1 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से ये कट गया और ये अल्टीमेटली आपका 9 × 4 ये आपका अल्टीमेटली 36 जो है वो निकल के आ गया 9c2 की वैल्यू, है ना। इसकी ट्रिक होती है, देखो भाई जब भी आपको NCR लिखना है ना, सबसे पहले तो आप पूरा का पूरा फोकस इस R पे करो, है ना, C के नीचे क्या लिखा है उस पर फोकस करो, तो डिनोमिनेटर में भी R आइटम्स आएंगे, न्यूमरेटर में भी R आइटम्स आएंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जो डिनोमिनेटर के R आइटम्स आएंगे ना, उसमें लेके 1 से लेके R तक का टोटल मल्टीप्लाई होगा, ये R आइटम्स हो गए, और न्यूमरेटर में जो आपके R आइटम्स आएंगे वो n से शुरू होंगे और एक एक कम होंगे। तो न्यूमरेटर में अपन भाई बैकवर्ड करेंगे नंबरिंग एक एक कम करके, और डिनोमिनेटर में अपन फॉरवर्ड नंबरिंग करेंगे, r आइटम्स तक टोटल करना है। सर आप क्या बोले मेरी कुछ भी समझ नहीं, आप देखो ध्यान से देखना, 9c2 लिखा है यानी एक बात तो तय, c के नीचे 2 लिखा है यानी डिनोमिनेटर में भी मैं 2 आइटम्स लूंगा, न्यूमरेटर में भी मैं 2 आइटम्स लूंगा। अब देखिएगा भाई मैजिक, देखिएगा भाई न्यूमरेटर में उल्टा लेना है, 9 से शुरू करना है और 2 आइटम्स तक लेना है, डिनोमिनेटर में सीधा लेना है, 1 से शुरू करना है 2 आइटम्स तक लेना है। तो आप देखिए अगेन ये सीधा 4 आ गया, यानी ये देखो 36 आ गया, आपके इतना सब कुछ कैलकुलेशन बच गई, अपनी समय भी बचा कैलकुलेशन भी बची। और एग्जाम्पल्स अगर मैं आपसे पूछूं 8c3 की वैल्यू निकाल दो, तो आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है, डिनोमिनेटर में आएंगे 3 आइटम्स, न्यूमरेटर में भी आएंगे 3 आइटम्स, न्यूमरेटर में उल्टा चलना, 8 लिखा फिर 7 लिखा फिर 6 पे क्यों रुक गए, 3 आइटम्स हो गए मेरे, डिनोमिनेटर में सीधा चलना है, 1 से लेके 3 तक चल दिया, बस इसको सॉल्व कर लो भाई, ये हो गया आपका 2 टाइम्स, ये गया 8 7 जा 56 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो यही ट्रिक हम यहां पर लगाएंगे। 9C2 को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में टू आइटम्स सीधे चल दो और न्यूमरेटर में टू आइटम्स उल्टे चल दो, माइनस 3 × 3C2 डिनोमिनेटर में टू आइटम सीधे चल दो, न्यूमरेटर में टू आइटम्स उल्टे चल दो। भाई सॉल्व कर दो जरा, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 36 माइनस 3 × ये 2 से 2 कट गया और यहां पर अल्टीमेटली 3 बचा, 3 × 3 यानी कि 36 माइनस 9 बचा, यानी कि अल्टीमेटली मेरा देखिए 27 ही आंसर निकल के आ गया। तो यहां से आपको क्या निकल रहा है, टोटल पॉसिबिलिटीज हम निकाल रहे हैं, कितने ऐसे तरीके हैं जिससे कि हमको सम 10 मिल रहा है। सर 27 तरीके हैं, तो फेवरेबल आउटकम 27 हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए 216 हो गए। देखिए भाई कितना सिंपल हमारे लिए क्वेश्चन हो गया। तो इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा भाई, ट्रिक कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज ट्रिक बनाने में ना जान निकल गई है मेरी। चलिए भाई अगले सवाल पर मूव करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों बोल रहा था, देखिए भाई ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 3 dice are thrown, find a probability that they can sum 6. इस बार 6 पूछ लिया सम में, है ना, 10 पूछा 2021 में, 2018 में 6 पूछ लिया भाई। तो अगेन कुछ नहीं करना, हमको तो ट्रिक पता है भाई। अब यहाँ पर ये देख लो 1 से 6 वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो कितने तरीके से सम 6 आ जाएगा, n-1 cr-1, n क्या होता है कितने डाइज है टोटल, सॉरी n क्या होता है टोटल सम क्या है, माफ कीजिएगा टोटल सम क्या है वो होता है n, तो यहाँ पर आपका टोटल सम आ रहा है 6, और R क्या होता है कितने हमने डाइस फेंके, तो N होता है टोटल सम, R होता है कितने डाइस फेंके, ये एक डाइस को कितनी बार फेंका, तो बस रख दो जरा n-1 cr-1, 6-1 हो गया 5, c 3-1 हो गया 2। अगेन ट्रिक लगाओ भाई, ट्रिक लगाओ, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है यहाँ पर c के नीचे, तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आएंगे सीधे सीधे, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स आएंगे उल्टे उल्टे, तो ये गया यहाँ पर और ये आपका 2 टाइम्स गया, तो हो गया 10 आ गया यहाँ पर, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो अपने 10 निकल करके आ रहे हैं, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी पूछा था। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें ये 10 आउटकम्स चाहिए जहां पर सम मेरा 6 आ रहा है, टोटल आउटकम्स 216 आ गए भाई, 10/216 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, जहां पर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, छोड़ के आते हैं या टाइम ज्यादा लगाते हैं, आप चुटकियों में कर पाएंगे भाई। एफर्ट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, बहुत सारी तबाही मचाने वाली वीडियोस आगे मैं लेके आने वाला हूँ, जो कि आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाकर के एक बार देखिएगा जरूर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, TCS में 2019 में पूछा था ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद एक और कराऊंगा, दोनों लिंक्ड क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। देखिए भाई क्या बोला है, ABC आर चूजन रैंडमली एंड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 1, 2, 3, 4, 5, find a probability that A multiplied by B plus C is even. देखिए भाई क्या बोला गया है, देखना हमारे पास एक एक मान लीजिए बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है भाई। अब मैंने रैंडमली एक नंबर चूज किया, मान लो आ गया 2, उसको मैंने नाम दे दिया भाई 2 है A, और बोला है विद रिप्लेसमेंट, यानी 2 को वापस रख दिया। अब मैंने दोबारा से कोई नंबर चूज किया, मान लो इस बार आ गया 3, इसको नाम रख दिया भाई 2 B हो गया, अब विद रिप्लेसमेंट है वापस से 3 रख दिया। अब तीसरी बार उठाया, क्योंकि 1 से लेके 5 तक ही है मेरे पास सब कुछ, तीसरी बार उठाया, चलो भाई किस्मत से वापस से 2 आ गया, उसको नाम रख दिया भाई तू सी हो गया। अब मैं ए बी सी के कितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हो सकता है तीनों सेम आ जाए, पहली बार उठाया 1 आया, दूसरी बार उठाया तो भी 1 आया, तीसरी बार उठाया तो भी 1 आया, पहली बार जो उठाया उसको ए नाम देंगे, दूसरी बार को बी, तीसरी बार को सी, क्योंकि लिखा है विद रिप्लेसमेंट, वापस रखना है उठा करके वो नंबर, सिर्फ नाम दे देना और वापस रख देना है उसको, एक तरह से एंट्री फिल कर दी फिर वापस रख दी। आपको बताना है भाई जो भी मेरे एबीसी के कॉम्बिनेशन आएंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी जो है वो इवन आना चाहिए भाई। अब यहां पर देखिए भाई हमको अल्टीमेटली बनाना क्या है, इवन नंबर बनाना है भाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, एक काम करता हूं थोड़ी देर के लिए, ए मल्टीप्लाइड बाय बी को कुछ पी मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं पी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, a मल्टीप्लाइड बाय b है मेरा p प्लस c, p प्लस c मेरा आ रहा है इवन। अब ध्यान से देखिएगा भाई, दो नंबर्स का सम इवन कब आएगा, पहली पॉसिबिलिटी है कि भाई ये भी ऑड हो जाए और ये भी ऑड हो जाए, दो ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन आता है और दो इवन नंबर्स का सम हमेशा इवन आता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑड नंबर हो और एक इवन हो तो सम हमेशा ऑड आएगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, है ना। एक एग्जांपल देख लेते, दो ऑड नंबर 3 प्लस 5, सम देखो इवन आ रहा है,
दो इवन नंबर देख लो, 4 प्लस 6 सम देखो इवन आ रहा है, एक ऑड एक इवन ले लो, 3 प्लस 4 सम देखो 7 ऑड आ रहा है, समझ रहे हो? दो ऑड नंबर्स हैं तो सम मेरा इवन आएगा, दो इवन नंबर्स हैं तो सम मेरा इवन आने वाला है भाई। अब यहां पर देखो a into b plus c की बात कर रहे हैं भाई। अब पहले वाली पॉसिबिलिटी पर हम फोकस करते हैं भाई, क्या दोनों ऑड हो सकते हैं या तो दोनों इवन हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए भाई, पहली पॉसिबिलिटी में मैं एज्यूम कर लेता हूं सी मेरा ऑड है, सी मेरा ऑड है। अब मेरे पास क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब इसमें ऑड कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है, इवन कौन कौन से, 2 है और 4 है। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5, आउट ऑफ 5 3 आर ऑड, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/5। इस बात का भी अपन ध्यान रखेंगे। अब मैंने ये अज्यूम कर लिया सी मेरा ऑड है, अब मुझे ए इंटू बी को भी ऑड बनाना पड़ेगा। अब दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे ऑड बनाना है तो एक ही तरीका है, क्या दोनों को ऑड लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन में एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो मैं ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई लिख रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी एक इवन हो गया, मान लो बी इवन हो गया, कोई भी एक इवन हो गया, हमेशा मल्टीप्लाई का रिजल्ट इवन आता है। कोरोना वायरस की तरह, एक को कोरोना वायरस हुआ तो सबको हो जाएगा, यानी एक नंबर भी इवन आ गया तो अल्टीमेट प्रोडक्ट इवन आएगा। तो प्रोडक्ट ऑड लाना है तो इवन एक भी नहीं होना चाहिए, सारे नंबर ऑड चाहिए। तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट ऑड लाना है तो दोनों को ऑड लेना पड़ेगा। तो अब यहां से पहला क्या केस बन गया भाई, पहला क्या केस बन गया, इस बात को समझो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई, आपको मजा आएगा। पहला केस क्या बन गया, मैं तो ए बी सी के सारे केसेस निकाल रहा हूं, ठीक है। मेरे को अल्टीमेटली क्या चाहिए, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी मेरा इवन आ जाए। तो पहला केस क्या है, ए को ऑड मानो, बी को ऑड मानो और सी को भी ऑड मानो, ओ फॉर ऑड और ई फॉर इवन लिखूंगा। तो भैया देखो, यहां से ए और बी ऑड है तो इनका मल्टीप्लाई भी ऑड हो जाएगा, सी भी ऑड हो गया तो ऑड प्लस ऑड मेरा इवन हो जाएगा, एक तरीका। अब दूसरा तरीका, सी को ऑड मान के यही एक केस बन रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, सी को इवन मान लेता हूं। अब सी को अगर इवन मानना है तो फिर इस पी को भी इवन होना पड़ेगा। पी क्या है, ए इंटू बी, ए इंटू बी को इवन होना पड़ेगा। अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं ए इंटू बी इवन हो जाए तो, मैंने बोला अगर एक भी इवन नंबर है तो इवन हो जाएगा। तो या तो भाई ए इवन हो बी आपका ऑड हो, या तो ए आपका ऑड हो बी आपका इवन हो, या तो ए आपका इवन हो बी भी आपका इवन हो, है ना। एक इवन एक ऑड का प्रोडक्ट भी इवन होता है ना, एक ऑड है और एक इवन है, इसका भी प्रोडक्ट मेरा इवन हो जाएगा। पहला वाला इवन है, दूसरा वाला ऑड है तो इसका भी प्रोडक्ट मेरा इवन हो जाएगा, और पहला वाला इवन है दूसरा वाला भी इवन है तो इसका भी प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। देख लो ना, विद एग्जांपल समझ लो भाई, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बन जाएगा, यहाँ 4 में 3 का मल्टीप्लाई तो 12 बन जाएगा, 2 में 4 का मल्टीप्लाई तो 8 बन जाएगा। तो दो इवन का मल्टीप्लाई भी इवन आता है और एक ऑड एक इवन का मल्टीप्लाई भी हमेशा मेरा इवन आता है। तो भैया अब सी को तो मैंने ले लिया इवन, ए को इवन ले लो, बी को ऑड ले लो, ए को ऑड ले लो, बी को इवन, सी तो इवन है, या तीनों को इवन ले लो। इन सारे केसेस में जो भी आपका ये जो ए इंटू बी प्लस सी है वो इवन आने वाला है। देखो भाई, ए इवन है, बी ऑड है तो ए इंटू बी इवन हो गया, सी भी इवन, इवन प्लस इवन इवन आ गया। ये ऑड है, ये इवन है तो ए इंटू बी इवन आ गया, सी भी इवन है, इवन प्लस इवन इवन आ जाता है। ये दोनों इवन है तो प्रोडक्ट इवन, सी भी इवन, तो सम आपका इवन आ जाने वाला है। तो यानी जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक है, अगर आपको ये क्लियर है ना, ये सारी बातें जो मैं समझा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर अभी तक नहीं आता हो, अब आप सीख लीजिएगा। तो क्या क्या केसेस बन गए वो सब हमने देख लिया। अब आप हर केस की एक एक करके प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भाई। क्या बोला है, ए बी सी तीनों ऑड आ जाए भाई, तो भैया ए के ऑड आने के क्या चांस है, 3/5। बी के ऑड आने के क्या चांस है, अगेन 3/5, क्योंकि रिप्लेसमेंट है भाई। मैंने तीन पॉसिबिलिटीज है मेरे पास ऑड की। मान लो ए के पास ऑड आ गया, मान लो ए के पास 5 आ गया, लेकिन 5 को वापस से रखना है तो फिर 1 से लेके 5 तक नंबर्स है, तो यहां अगेन 3/5 हो जाएगा। और तीसरे केस में भी मेरे पास 3/5 भी आ जाने वाला है। ये पहला केस बन गया। दूसरा, ए को इवन देना है तो इवन 2 है मेरे पास, टोटल 5 है, और विद रिप्लेसमेंट है, यानी हमेशा मेरे पास 5 चॉइसेस, लिए डिनोमिनेटर में हमेशा मैं 5 रख रहा हूं, है ना। बी को ऑड देना है तो ऑड के लिए 3/5, और सी को इवन देना है, इवन के लिए 2/5 हो गया। अब यहां पर देखो, ए को क्या देना है, ऑड देना है तो ऑड के लिए 3/5, बी को क्या देना है, इवन देना है, यानी 2/5, और यहां भी आ गया 2/5।
आखिरी वाला केस तीनों इवन है, यानी तीनों में 2/5, 2/5 और 2/5 चलने वाला है। क्लियर हो गया क्या? तो अब एक बार देख लो भाई, डिनोमिनेटर में यहां से तो 125 ही आएगा, है ना। और इधर देखिए भाई, देखो सबके डिनोमिनेटर में 125 भी आ रहा है। 3 3 9 3 27, इधर भी 125 आएगा। क्या हो गया? 3 2 6 2 12, इधर भी देखो 3 2 6 2 12 by 125। और आखिरी वाला क्या आ रहा है? 2 2 4 2 8 by 125। हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देने वाले हैं, यानी 27 by 125 में मैं ऐड करूंगा 12 by 125, फिर अगला 12 by 125 और आखिरी है 8 by 125। भैया ऐड क्यों किया? क्योंकि या तो ये केस, या तो ये केस, या तो ये केस, या तो ये केस, चारों में से कोई एक ही केस बनेगा। तो जब भी मेरे पास कंपलसरी सिचुएशन होती है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जब भी मेरे पास चॉइस होती है मैं ऐड कर देता हूं। इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पे कंपलसरी था, ए बी सी तीनों को पिक करना कंपलसरी था, इसलिए मल्टीप्लाई किया। लेकिन इन चारों केसेस में कोई एक केस बनेगा तो हमारे पास चॉइस है, इसलिए हम ऐड करेंगे। देखिए भाई 12 और 8 हो गया 20, है ना, और 27 और 12 कितना हो गया? ये आपका 27 और 28 29 39 हो गया, 49 59 by 125 हो गया ये टोटल आपका, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको भाई क्लैरिटी मिल गई होगी। तो यार बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन में मजा आया तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगला सवाल इसी से रिलेटेड आने वाला है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भाई किसी भी स्टेज ऑफ टाइम पर कोई भी डाउट आ रहा है बच्चों, शर्माना मत, कमेंट सेक्शन में बिंदास होकर के पूछ लेना भाई। देखिए सिमिलर क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा के जाओगे टीसीएस में सिलेक्शन पाओगे। 2020 में ये पूछ लिया भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जो मैंने सॉल्व किया वो 2019 में पूछा गया था, अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो 2020 में पूछा, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बस इतना सा चेंज कर दिया विदाउट रिप्लेसमेंट। पिछले क्वेश्चन में मैं रिप्लेसमेंट अलाउ कर रहा था, इस बार रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं कर रहा। मतलब क्या है सर? मेरे पास अगेन 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अब मान लो मैंने 3 उठा लिया और 3 उठा लिया, A को 3 दे दिया, अब मेरे पास 3 ऑप्शन नहीं है, अब वापस नहीं रखूंगा मैं विदाउट रिप्लेसमेंट, अब मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो मैंने 2 उठा लिया और B को दे दिया, अब 2 भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, दोबारा से नहीं उठा सकता, बी के पास चला गया, परमानेंटली शादी करा दी। पिछले केस में तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ब्रेकअप होके दोबारा किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सकते थे, अब तो भैया शादी हो गई भाई। सी में 5 ले लिया मान लो, गया वो भी, अब दोबारा मैं 5 का यूज नहीं कर सकता। तो इस बार क्या कर रहे हैं? हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं भाई। तो यहां पर एक बात समझना भाई, केसेस वही बन रहे हैं, केसेस तो सेम है, क्योंकि ए इंटू बी प्लस सी इवन चाहिए, तो यही सारे केसेस है। तो होमवर्क हमने पहले से इस बार कर रखा है, तो अपन जल्दी से सॉल्व कर लेंगे भाई। देखिए क्या करना है, ए में ऑड आ जाए तो भाई मेरे पास ये 3 ऑड है, 1 है 3 है 5 है, 3 अभी मेरे पास ऑड अवेलेबल है, 1 3 और 5। अब ए में ऑड आ जाए तो भाई 3/5 पॉसिबिलिटीज, आउट ऑफ 5 नंबर्स वी हैव 3 नंबर्स विच आर ऑड। अब मान लेते हैं 3 दे दिया मैंने ए को, ए को मैंने 3 दे दिया, अब एक ऑड चला गया। अब बी में ऑड आ जाए इसके लिए मेरे पास 2/4 पॉसिबिलिटीज होंगी। सर ये 2/4 कैसे है? समझो जरा, अब एक ऑड चला गया, अब मेरे पास टोटल एक नंबर भी चला गया, 5 की जगह 4 नंबर बचे, 1 2 4 और 5, तो 5 की जगह 4 नंबर बचे, इसलिए डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया, टोटल आउटकम 4 बचे और उनमें से 1 और 5 केवल 2 ही ऑड नंबर बचे। तो मान लेते हैं बी को हमने 1 दे दिया फॉर एग्जांपल। अब सी में भी ऑड आ जाए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? अब मेरे पास केवल एक ही ऑड बचा है 5, और टोटल मेरे पास 3 नंबर बचे 2 4 5, जिसमें से मुझे सिलेक्शन करना है, तो ये 1/3 आ गया। सिमिलरली अगले केस के लिए भी निकालो भाई, अगले केस के लिए भी निकालो, वापस से अब हमारे पास 5 नंबर है क्योंकि हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई पहला ए बी और सी तीनों को निकालना कंपलसरी है, तो जहां कंपलसरी एक्ट वहां मल्टीप्लाई, जहां चॉइस वहां पर प्लस। अब इधर देखो भाई, इवन ऑड इवन, अभी मेरे पास 2 इवन है, टोटल 5 नंबर्स हैं, मान लो 2 आ गया ए के पास, बी ऑड है, अभी मेरे पास 3 ऑड है लेकिन टोटल मेरे पास नंबर 4 बचे हैं, तो मान लो यहां पर 3 आ गया, है ना, बी को अपन ने ऑड देना तो दे दिया। अब सी को इवन देना, एक ही इवन बचा है 4 है, तो 1, टोटल 3 नंबर्स हैं, 1/3 हो गया, तो भाई 4 देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगेन यहां पर अपन ने ये कर लिया। अब तीसरे वाले के लिए बनाओ, साथ साथ बनाते चलो, ऑड के लिए 3 है और टोटल 5 नंबर्स हैं, मान लो 1 दे दिया। अब सेकंड वाले को क्या चाहिए? इवन चाहिए, इवन चाहिए, इसका मतलब 2 इवन है और टोटल 4 नंबर्स अवेलेबल है। थर्ड वाले को क्या चाहिए? मान लो 2 दे दिया, थर्ड वाले को ऑड चाहिए, थर्ड वाले को भी इवन चाहिए, माफ कीजिएगा, है ना, पहले वाले को ऑड चाहिए था 3/5,
दूसरे वाले को इवन चाहिए, तो पांच की जगह चार बचे, दो इवन अभी भी बचे हुए, अब एक ऑड और एक इवन जा चुके हैं। तीसरे वाले को इवन चाहिए, अब मेरे पास एक ही इवन बचा है, दैट इज फोर, तो वन बाय थ्री मेरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो मान लो ये फोर दे दिया, अगेन तीनों केस सपाट हो गए भाई। सबसे इंटरेस्टिंग है चौथा केस भाई, तीन इवन नंबर बनाना पॉसिबल है क्या? मेरे पास दो ही इवन नंबर्स हैं, मेरे पास दो ही इवन नंबर्स हैं, तीन बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इसको जीरो भी लिख सकता हूँ, इस वाले केस को डायरेक्टली मैं जीरो भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो पहला इवन निकालना है, तो टोटल दो इवन है, टोटल नंबर्स फाइव है, चलो मान लो मैंने टू निकाल दिया। फिर दूसरे केस में भी इवन निकालना है, तो वन है, टोटल चार बचे मेरे पास नंबर, चलो हमने मान लो फोर निकाल दिया। अब तीसरे केस में भी इवन निकालना है, अब टोटल तो भाई तीन बचे लेकिन इवन मेरे पास एक भी नंबर नहीं बचा, तो जीरो हो गया फेवरेबल केस। अब किसी का भी मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो अल्टीमेटली ये तो जीरो बन गया, ये कितना बन गया, पांच इंटू चार बीस इंटू तीन, देखो ये साठ आ रहा है, इसलिए हर एक ऑप्शन के डिनोमिनेटर में साठ आ रहा है। इट शोज एन इंडिकेशन कि हम सही कर रहे हैं। अब इधर देखो सबके डिनोमिनेटर में साठ आ जाएगा क्योंकि पांच इंटू चार इंटू तीन कर रहे हैं भाई, है ना। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, यहाँ पे छह आ रहा है, यहाँ पर भी छह आ रहा है और यहाँ पर भी छह आ रहा है, यानी पहला केस भी छह बाय साठ है, दूसरा केस भी छह बाय साठ। ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, या तो ये आएगा, या तो ये केस, या तो ये, या तो ये, तो भाई जब भी चॉइस आ रही है हमारे पास। और चौथा केस जीरो छह 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 अठारह बाय साठ, कोई ऑप्शन है क्या भाई, ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए मैं बोलता भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने वो 2019 वाला क्वेश्चन करके गया होगा ना, वो 2020 वाले एग्जाम में बहुत खुश रहा होगा क्योंकि बहुत चुटकियों में वो इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है, करेक्ट आंसर इसका आ गया ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे, सुखी रहोगे, टीसीएस क्लियर हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, अगेन सेम है, तीन डाइस फेंके हैं, सम 11 निकालना है भाई, फॉर्मूला रखिएगा, आंसर निकालिएगा भाई, आपका विद्यार्थी करते हुए। सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें भाई। ये प्रोबेबिलिटी पर और क्वेश्चंस में आगे करा दूंगा, और टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बना दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, लगभग 25 मिनट की ये वीडियो बनी, खड़े होकर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ, तो एक छोटा सा कॉमेंट नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, तो बढ़िया सा कॉमेंट कीजिए और अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जूनियर्स को बताइए कि यार यश भैया करके हैं जो यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट कीजिए कि अभी से प्लेसमेंट की तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।